अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है और अगर आप अपने HDFC बैंक के डेबिट कार्ड का पिन भूल चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने HDFC बैंक के डेबिट कार्ड का पिन जो है उसको रीसेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे कुछ ही क्लिक के अंदर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने HDFC बैंक अकाउंट के अंदर लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको कार्ड्स में क्लिक करना है। एंड कार्ड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन शो होगा और एक होगा डेबिट कार्ड का। सिंपली आपको डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन के अंदर रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन शो होगा, सिंपली आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपके सामने इंस्टेंट पिन जनरेशन का एक ऑप्शन शो होगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद आपको अपना 4 डिजिट का पिन यहाँ पर एंटर करना है जिसे आप बनाना चाहते हैं। एंड उसके बाद आपको उसी पिन को री एंटर कर देना है। एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड गाइस, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अपने मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करना है। एंड देन आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड गाइस, उसके बाद आपके डेबिट कार्ड का जो पिन है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का पिन अगर भूल चुके हैं तो आप इस तरह से बहुत ही इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ आपको सक्सेसफुली चेंज का एक मैसेज भी देखने को मिलेगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक बैंक की तरफ से मैसेज भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं।